24 SCMR 464 सैयद नबी बनाम अजमल खान व दीगर। सैयद नबी नामी शख्स पर दीगर अफराद के साथ मिलकर कत्ल का इल्ज़ाम था। मुद्दई का कहना था कि सैयद नबी और दीगर मुलजिमान ने मिलकर कत्ल किया है, लेकिन अदालत में कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने पर दीगर दो मुलजिमान को बरी कर दिया गया। इसके अलावा सात मुलजिमान में से तीन को फरीकैन के दरमियान सुलह राजीनामा की बुनियाद पर बरी कर दिया गया। सैयद नबी का ये कहना था कि मुद्दई का मुकदमा कमज़ोर है क्योंकि ज़्यादातर इल्ज़ाम दूसरे मुलजिमान के बारे में थे जिन्हें पहले ही बरी कर दिया गया था। सैयद नबी ने यह भी बताया कि वो पाँच साल तक मफरूर रहा था, लेकिन इसके पास से ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जो उसे मुजरिम साबित करे। बिलाशुबा मफरूर होना एक अहम अंसर है जब जमानत के सवाल का जायज़ा लिया जाता है। ताहम किसी शख्स को गैर मुयन मुद्दत तक सलाखों के पीछे रखने के लिए मफरूर होने को तन्हाई में नहीं देखा जाना चाहिए। एक शख्स जिसका नाम कत्ल के मुकदमे में है, चाहे सही वजह से या गलत वजह से, अगर वो कानून से फरार हो जाता है तो इसका यह रवैया फितरी है। अदालत ने उन हकायक के पेश नज़र सैयद नबी की जमानत मंजूर कर ली और सैयद नबी को जमानत पर रहा कर दिया गया।